कृष्णा हेगडे, आपकी बाँसें तो थोड़ी बहुत खिली होंगी, पर ये दरअसल मराठा वोट बैंक की लड़ाई है और उसी में सेंधमारी का ये चुनावी दांव है, इमोशनल दांव है, सन्यास का, सन्यासी दांव। संदीप भाई देखिए, शरद पवार जी एक वरिष्ठ नेता है, इसके लिए मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो इमोशनल कार्ड है उन्होंने पहले भी खेला है कि उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति से संन्यास लेता हूँ, इलेक्टोरल राजनीति से। फिर वो राज्यसभा में गए, अभी फिर से वो कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये लगेगा कि फिर भी वो उनका पर्सनल चॉइस है। लेकिन जो आपने कहा और संजय जी ने भी कहा उसमें दम है कि देखिए हमारे पास तो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री खुद एक मराठा है, अजीत पवार जी डिप्टी सीएम है वो खुद एक मराठा है, और भारतीय जनता पार्टी में भी नारायण राणे पूर्व सीएम, राव साहब दानवे पाटिल पहले के प्रदेश अध्यक्ष, और आप बोलो तो और 10 नाम आपको बीजेपी से भी गिनाऊं। तो ऐसे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में मराठा लीडर्स की कमी है। लेकिन अगर आप देखने जाए तो बारामती की जनता क्या चाहती है, बारामती की जनता चाहती है विकास, वो चाहती है डेवलपमेंट, वो चाहती है कि उनके क्षेत्र में फंड आए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जिसके पास स्किल हो, और वो तो नहीं, अजीत मुद्दों पवार की तो लड़ाई अभी, मुद्दों पर आपको अभी 15 दिन हैं कृष्णा भाई, हम मुद्दे भी तफसील से चर्चा करेंगे, पर दरअसल असल में दो जगह लड़ाई चल रही है, असल लड़ाई जो है, असली नकली वाला जो ये खेल है, एक है उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे, वहां कौन जीतता है, सरकार किसकी बनेगी, काफी हद तक वहां तय होगा, और दूसरा पहलू है शरद पवार बनाम अजित पवार। गलत कह रहा हूं क्या मैं कृष्णा? बिल्कुल नहीं, देखिए हर इलेक्शन और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है, और बूंद बूंद बन के सागर बनता है, तो एक एक जो है कैंडिडेट जब जीतता है तो आंकड़े बनते हैं, और एक एक आंकड़े से ही थोड़ा सा कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ पूरी नहीं हो पाई, मुकम्मल नहीं हो पाई बात, लेकिन किशोर तिवारी, चाणक्य एक दांव चल रहे हैं, दूसरे चाणक्य बैठे हुए शह और मात की, वो शतरंज की चाल वो भी चल रहे हैं, और इसमें बागियों का जो खेल है, बागी 25 हट गए महायुति के, 18 रह गए, आपके 20 पीछे हटे, लेकिन 22 अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, और इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट आपकी पार्टी के 11 अभी भी बागी अटके हुए हैं। बागियों की सबसे बड़ी समस्या आप ही के लिए खड़ी हो गई है क्या? देखिए मैं बताता हूं, शरद पवार जी का रोल महाराष्ट्र में बहुत ही तगड़ा है, ये कबूल करना चाहिए। फर्स्ट इसमें अभी मैं बताता हूं कि एक पहले तो उद्धव जी की पार्टी को तोड़ा गया, 170 विधायक इनके पास हो गए, 148 चाहिए बहुमत के लिए, कोई जरूरत नहीं, परिवार में इतनी बड़ी दरार देने की कोई जरूरत नहीं, अजीत पवार को इतना ऑफर देना, इतना ईडी का भय बताना, और पंतप्रधान मोदी जी ने भी उनको नेचुरली करप्ट बोलना, जेल जाने की बात करना, तो ये कैसा हुआ कि महाराष्ट्र में लोग व्यथित है। और आप संदीप जी जो कह रहे हैं, ये बहुत सारी लड़ाई। सवाल मैं क्या पूछ रहा हूं, आप किधर चले गए किशोर भाई? सवाल बड़ा सीधा था, बागियों की समस्या ज्यादा है, आपको परेशान कर रही है क्या? आप तो हो गया, नामांकन का दिन भी गया, विड्रॉल का दिन भी गया, आप तो सब मैदान में उतरे हुए हैं, मैदान सज गया है। देखिए आपके पास आंकड़े कम है, मैं आपके रिसर्च टीम को दे दूंगा, सबसे ज्यादा बागी बीजेपी ने खड़े किए, और बागी खड़े होने के पीछे एक लॉजिक है, पार्टी के तरफ से चुनके आते हैं बीजेपी के तरफ से तो पैसे मिलते नहीं, अगर बागी चुनके आए तो 100 करोड़ रुपए मिलते, तो बागी बनना एक फैशन हो गई है, और बगावत करना, क्योंकि आप निर्दलीय चुनके आते हैं तो खरीदने के लिए तो बैठे हैं, तो ये बड़ी समस्या है, और बड़ी समस्या है, मंडी सजेगी 23 तारीख के बाद, आप ये कह रहे हैं किशोर भाई? संजय कुमार ने ये बात बोली नहीं, महाराष्ट्र में एक जमाने में तो 41
अपक्ष चुन के आ गए थे, अभी मुझे लगता है कहीं 50 ना आ जाए। और बीजेपी तो कहती है कि हम 100 भी आए तो सरकार बना लेंगे, यानी महायुति के। लेकिन तो बागियों को समर्थन देने का खेल दरअसल बीजेपी कर रही है क्या? बीजेपी के चाणक्य ये खेल कर रहे हैं? नहीं, वो तो 25 लाख के जो प्रोजेक्ट है ना, तो वो मैनेजमेंट गौतम अडानी करेंगे, चाणक्य को नहीं आना पड़ेगा, मैं अभी बता रहा हूं तुमको। लेकिन ये महाराष्ट्र के अस्मिता का प्रश्न है, महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता को जिंदा रखने का प्रश्न है। और संदीप जी, आपने ये सवाल अच्छा किया है, कौन असली कौन नकली? ये बाला साहेब ठाकरे की पार्टी है, उसके बच्चे को बेदखल कर रहे कि जिसने शरद पवार, जिसने आप एनसीपी बनाई, उनको बेदखल कर दिया। देखिए, सजा मिलने वाली है, तगड़ी सजा यह बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को मिलने वाली है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये 10-10, 12-12 सीट लेके आएंगे। और शरद पवार और एकनाथ शिंदे, इनका बीजेपी में विलय होना तय है। ये बुरे हाल है, राजनीतिक आत्महत्या के तरफ जा रहे हैं। अच्छा, राजनीतिक आत्महत्या, आप काफी आगे तक आप भी जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।